बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मांग कर दी है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ा जाए। संजय निषाद आज दोपहर 2 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुट गई हैं। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने भी अपने वोटरों का वास्ता देकर एक बड़ी मांग सामने रख दी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मांग कर दी है कि बीजेपी को उन्हें उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने रखकर चुनाव में उतरना चाहिए। मतलब जितने खुश रखेंगे निषादों को उतने ज्यादा खुशी पाएंगे। हमने बड़े भाई हम छोटे भाई हमारा पहले तो इनका आरक्षण का मुद्दा, सेकंड लाइन पर हमें सीट है, तीसरे लाइन पर हम लोग पावर है, हमारे कार्यकर्ताओं का समायोजन है। डॉक्टर संजय निषाद का ये बयान भदोही जनपद में सामने आया है, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। संजय निषाद का दावा है कि यूपी में निषाद समुदाय 160 सीटों पर मजबूत है। राज्य में निषाद समुदाय के 18% वोट हैं। 18% वोट तो मछुआरों का है, तो अक्सर नियमता तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आग भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है, और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी ने वोट कैसा है अभी 2019 में, और 40 सीटों पर है। तो नहीं मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। इससे पहले डॉक्टर संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद केंद्र और राज्य में एक एक मंत्री पद की मांग की थी। डॉक्टर संजय निषाद आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिस पर सभी दलों की नजर रहेगी। निषाद पार्टी की नई मांग की क्या अहमियत है, इसे समझने के लिए यूपी में निषाद वोटरों की ताकत को जानना जरूरी है। निषाद मछुआरों का समुदाय है, जिनका पूर्वांचल में बड़ा असर है। यूपी के गोरखपुर, महाराजगंज, जौनपुर में निषाद वोटर हार जीत तय करते हैं। गोरखपुर में निषाद वोटरों की तादाद 3.5 लाख से ज्यादा है और इनके 15% वोट हैं। निषाद समुदाय के ज्यादातर लोग मछली पकड़ने, नाव चलाने और मछली पकड़ने का जाल बुनने के काम से जुड़े हैं। इस समुदाय के लोग ज्यादातर नदी किनारे मौजूद शहरों में बसे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।